हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो गाइस, बात ऐसी है कि कल मेरी और गौरी की थोड़ी सी अनबन सी हो गई। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसी टॉपिक पे, बट वो डिस्प्यूट में कब कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं लगा। एंड उसी में मैं थोड़ा आई थिंक ज़्यादा बोल गया। लेटर ऑन आई फेल्ट कि हाँ भाई, गलती मेरी है, तो आई सेड सॉरी टू हर। और सब कुछ ठीक हो गया, हम लोगों ने शाम को बैठ के मूवी भी देखी रात को। बट फिर उसके बाद वो ऑफिस चले गए और ऑफिस में उन्होंने अभी तक ना मेरा फ़ोन नहीं पिक किया एक बार भी। मैंने उन्हें बहुत सारी कॉल करी, नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं, एक आध बार अगर कॉल ना पिक कर पाए बिजी हो उनके कारण तो वो बाद में कॉल बैक कर देते जब भी वो फ्री होते, बट आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और उनकी कॉल एक दफ़ा भी मुझे नहीं आई, और मैं नियरली 7 से 8 कॉल कर चुका हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी मैं जा रहा हूँ गौरी को ऑफिस से पिक करने के लिए। साथ में मैंने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्लान किया हुआ है। अब आई होप उसके बाद वो थोड़े काम डाउन हो जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। एंड चलो पहले ऑफिस चलते हैं, पिक करते हैं उन्हें और साथ में उनका मूड भी चेक करते हैं। ऑफकोर्स मैं सामने हूँ तो उन्हें बात तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। लेट्स गो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। क्या हो गया, मुंह अभी भी फुलाया हुआ है आपने? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ हर पल। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा आज? वैसे क्या, चलो चलेंगे। कहाँ जाना है? चलो। अरे ये एक और रास्ता है गौरी, यहाँ से नहीं पता इस रास्ते का। अरे उधर देख नहीं रहे थे कितना ट्रैफिक था आज, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं अंदर अंदर से, सिटी के बाहर बाहर से। तो यार आज का दिन भी पूरा निकल गया, बट ये बंदी ने मुझसे बात नहीं करी अभी तक। राइट, मुझे नहीं पता इतना बड़ा क्या इश्यू हो गया है। आई सेड सॉरी मल्टीपल टाइम्स और फिर भी बात नहीं कर रहे। मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी वाली बातें हो रही है, पता नहीं कि रात को आपकी अपनी गलती होती है ना, बंदा अपनी गलती मानता है। मान तो ली थी तभी तो सॉरी बोला। या सॉरी का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली गलती मानना, उसके बाद माफी मांगना और उस चीज को फील करना दैट आई विल नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन। फील कैसे करते हैं? आंसू निकालूं? वो नहीं निकल रहे। मैं आंसू निकालने को नहीं कह रही हूं, बंदे को खुद को फील होती है वो बात। क्या फील होती है? फील हुई थी तभी तो सॉरी बोला था। देखियो देखियो, मुस्कुरा रही है बट बात करने में ना दिक्कत हो रही है इन्हें। गौरी ए गौरी, यहाँ मार्केट में गाड़ी लाके खड़े करने का मैं मतलब समझ सकती हूँ। मार्केट में नहीं, हम पार्किंग में हैं। जो भी, पर यहाँ पे रंजीत एवेन्यू में क्यों रुके हो? घर जाना है हमने, घर जाओ सीधा। घर तो पास में ही है, मैं कहा बाहर ही कुछ खा भी लेते हैं आज। तब खाओ जब बंदे का मूड ठीक है। तो खाने के बाद मूड ठीक हो जाएगा ना आपका? गोलगप्पे खाते हैं। वो आपको पसंद है? आपको क्या पसंद है? पिज्जा। पिज्जा खाएगी गौरी, है ना? देख खुश हो गया। चल ठीक है, चल गौरी अब चलते हैं एक जगह। आई हैव अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। किसी और ऐसा काम मत करना जिससे मुझे और गुस्सा आ जाए। सरप्राइज के नाम पे कौन सा गुस्सा आता है गौरी? मुस्कुरा भी रही है, गुस्सा भी दिखा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, सिंपल इज दैट। कैमरा से बात कर सकती हो? यस, हाय। हाय। अच्छा गौरी कैसी हो? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। यू आर टॉकिंग टू कैमरा। आई एम टॉकिंग टू माय ऑडियंस बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। हाँ तो वो पूछ रहे ना कैसे हो, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया, आप नाराज क्यों? मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगी। भाई आप लोग यही पूछ रहे हो ना क्या हुआ। चलो छोड़ो, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो अंदर चलते हैं जल्दी से, फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है चलो। अब तो बोल ले कि हम लिफ्ट में आके कहीं तो जा रहे होंगे, कुछ तो अच्छा है तेरे लिए। सरप्राइज के टाइम पे बंदा खुश हो जाता कि यार कुछ तो सरप्राइज होगा, कोई एक्साइटमेंट होती है बंदे में। कोई लुक, सिर्फ लुक दे रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फोर्थ फ्लोर। इतने दिनों से आप चिड़चिड़ कर रही थी, दिनों से क्या महीनों से बोल रही थी कुछ, क्या हुआ? फाइनली आज वो आपका सपना पूरा होने वाला है। क्या बड़े आए? कैन यू गेस कि कौन सा सपना है? बाय द वे सलून में आके क्या करेंगे? हेयर कट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस
अभी मैं गौरी को ऊपर सैलून में बिठाया हूँ, जब तक वो अपने नेल्स कराती है, मेरे को एक छोटा सा काम है, तब तक मैं वो निपटा के आ जाता हूँ। एंड मीनवाइल गौरी भी फ्री हो जाएगी। 2 hours later. तो देयर शी इज। मास्क पहना हुआ है, पता तो लग नहीं रहा कि ये खुश है कि दुखी है, लेकिन होना तो चाहिए अब खुश। अबे खुश है, खुश है। आजा। क्या हुआ? बड़ा खुश है अब तो? खुश है। एक मिनट रुको, मैं शीशा ऊपर। अरे लड़का, एक तो गर्मी का मारा। हाँ मैं रुको, इधर चला दूँ। हाँ अब बताओ। क्या? कैसा रहा? बहुत अच्छा। दिखाओ। क्यों? तो साले मैंने देखने, दिखाओ मुझे। ओके। हाँ। इसमें वैसे छोटा सा एक सरप्राइज है ऋषि के लिए भी। मेरे लिए? मैंने सरप्राइज दिया आपको और आप मेरे लिए सरप्राइज रख रहे हो? दिखाओ। वाओ। ओए बिल्लू। यस, ऋषि को कैट्स बहुत अच्छी लगती है। हाँ, ओ, बहुत प्रिटी है ये तो। प्रिटी है ना? हाँ, मैं अपना हाथ नहीं रखता बीच में ना। ऐसे रखो, ऐसे करके। नो डाउट बेबी। नहीं वैसे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ऐसे लाइट पड़ रही है ना इधर से। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत सुंदर भी है ना। हाँ। कैटी कितनी प्यारी बनाई है उसकी। हाँ। चांद पे बैठी हुई है। हाँ। और फाइनली खुश हो गई। और अभी जैसे आपने सुना गौरी को भूख भी लगी है। हाँ, तो भूख तो मुझे भी लगी है, सच बोलूं मैंने भी तब से नहीं खाया। एंड गौरी का भी आज मूड थोड़ा सा खराब था, ये लंच भी नहीं लेके गई थी, मैंने बाद में फ्रिज में देखा कि लंच भी पड़ा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं कहीं पे लंच करने, ठीक है? या पहले घर चलते हैं, घर चेंज करके आते हैं, है ना? वही कपड़े पहने हुए हैं। 2 hours later. गौरी, आर यू रेडी? यस रेडी। लिपस्टिक लगा लो। हां अब देख, अब मुस्कुरा रही है। अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये देखना है ना, पूरे सूट कर रहे हैं। चलो चले अब जल्दी से आ जाओ। How are you feeling? I'm happy now. You made my day. इतना सुबह से मैं upset थी, आपने बहुत अच्छा day बना दिया। हाँ, तो कैसा लग रहा है अपनी favorite जगह पे आ गए? हाँ, यह मेरी favorite बन गई है। हाँ, अच्छा लग रहा है, I'm happy. कैसा रहा फिर दिन आज का? दिन तो बहुत अच्छा गया, पहले इतने beautiful से nail हो गए and then हमारी इवनिंग डेट हो गई। हाँ, इवनिंग की डेट भी अच्छी चली गई। तो मेरा दिन तो बहुत अच्छा बना दिया आपने। तो अभी तो नाराजगी नहीं है ना? नहीं, अभी भी डाउटफुल है। नहीं गौरी, अभी तो नहीं होना चाहिए यार। अब तो अगर अभी मान भी मांगी मैं। एहसान हुआ भाई। चल कोई बात नहीं भाई, बहुत मुश्किल होता है मनाना, तो लड़ो, सोच समझ के लड़ो। मुझे तो समझ ही नहीं आया कब वो छोटी सी बात इतनी बड़ी हो बन गई, लेकिन चलो जो भी हुआ हुआ, दिन अच्छा चला गया। इसी बहाने हम लोग बाहर घूम फिर लिया है ना। yes. इसी बहाने गौरी के नेल भी हो गए, कब से बेचारी मांगी जा रही थी, बट चलो टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम भी निकल गया, सब कुछ हो गया। चलो कभी कभी लड़ना फायदेमंद हो जाता है। मेरे लिए तो हो गया। वही बोल रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, इनके लिए। चलो फिर इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।